भारतीय किसान यूनियन ने आज अपनी मांगों को लेकर कैथल में जोरदार प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार पर किसान विरोधी नीतियां बनाने का आरोप लगाया है और किसानों की खराब हालत के लिए जिम्मेदार बताया है। साथ ही किसानों ने धान पर 1,000 रुपए समर्थन मूल्य देने की मांग प्रदर्शन में की है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान सतपाल ढिल्लेवाली, राष्ट्रीय सलाहकार अजीत सिंह हाबड़ी और अंबाल मंडल प्रधान जियालाल ने कहा कि इस बार 1509 किस्म का धान सरकारी समर्थन मूल्य पर 1450 रुपए में खरीदा गया, लेकिन सरकार और व्यापारी वर्ग की मिलीभगत के चलते अब उस धान का मूल्य 2300 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, जबकि किसान अपना धान पहले से ही बेच चुके हैं, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों को अब 1,000 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य दिया जाए। किसान नेताओं ने कहा कि घाटे के चलते अब किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि खेती अब किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है और किसान कर्ज के तले डूबते हुए जा रहे हैं। वहीं इन नेताओं ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी, ताकि किसानों को फसलों के लाभकारी दाम लागत के आधार पर मिल सके, लेकिन अब सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है। इस तरह है भी जदों दा कोई भी सरकार आई है ये झूठे वादे करके किसानों नाल ते मुकर जांदी है, क्योंकि एक इनू ऐसा मौका मिलिया है भी जिहड़ा किसान है ये संगठित नहीं, क्योंकि अलग अलग विच बटे हुए ने। सच्चाई है तो जिन्ना चिर किसान संगठित नहीं हुंदा, कट्ठा नहीं हुंदा, उन्ना चिर सरकार जिहड़ी है फायदा उठा रही है और ये जिहड़ा फायदा है किसानों वास्ते बर्बादी का एक किसानों का फायदा एकता का सबूत देते हुए किसान आगे ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि जिसका आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी किसानों को। और जो किसानों का लागत दाम की जो बात आती है, आज तक किसी भी सरकार ने वो लागत दाम नहीं दिया। लागत दाम न देने की वजह से किसान पे कर्जा है और बार बार जाकर ये इलेक्शन का टाइम जो आता है उस टाइम हर सरकार जो भी पार्टी है वो ये कहती है कि भाई किसान को हम लागत दाम देंगे या स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, कुछ भी बहाना करके वोट ले लेते हैं, लेकिन इन्होंने जो व्यवस्था है वो व्यवस्था नहीं बदली। हम चाहते हैं कि किसान को 1,000 रुपये बोनस दिया जाए 1509 पर। किसानों को उचित दाम नहीं मिला फसलों का अभी तक, जिस कारण जो खेती में लागत आती है, जो खेती की चीजें खरीदता है, खाद है, दुआई है, बीज है, और जो ट्रैक्टर ट्रैली एरो खरीदता है वो तो इतने 400 गुना रेट बढ़े होंगे, और जो किसान अपनी फसल बेचने जाता है तो उसका मूल्य सरकार निर्धारित करती है जो उसकी लागत भी नहीं पूरी करती, जिस कारण किसान के ऊपर कर्जा चढ़ गया और कर्जे की वजह से आज किसान आत्महत्या कर रहा है। हम चाहते हैं सरकार पिछला सरकार की गलत नीति के कारण किसान के ऊपर कर्जा चढ़ा और पिछला कर्जा माफ करे और आगे डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करे, ताकि हमारा देश का किसान खुशहाल रहे। जब तक किसान नहीं बचेगा तो यह देश भी नहीं बचेगा।